हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इंसर्टिंग अ रो कॉलम और सेल्स बताया था कि कैसे आप जो अपनी वर्कशीट में रो को, कॉलम को और सेल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप कुछ स्टेप फॉलो करने थे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए गए थे। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन रीनेमिंग द वर्कशीट। हम अपनी वर्कशीट जो आपने बनाई है उसको कैसे रीनेम करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। यू कैन गिव अ न्यू नेम टू द वर्कशीट। आप अपनी वर्कशीट को न्यू नेम दे सकते हो। यू कैन चेंज द नेम अकॉर्डिंग टू यू सो दैट यू कैन फाइंड योर वर्कशीट ईजली, ठीक है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी वर्कशीट का आपके पास नेम है कि आपने किस वर्कशीट पर कौन सा वर्क किया, तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ईजिली उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। ईजिली आपको वो मिल जाएगी, आप अपना वर्क उसको फाइंड कर लोगे। वाई डिफॉल्ट द वर्कशीट आर नेम एज सीट वन, सीट टू एज सो ऑन। वैसे तो वर्कशीट के नेम होते हैं सीट वन, सीट टू। अगर आप इसको नेम दे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो। द फॉलोइंग स्टेप विल शो यू हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। आपको वर्कशीट को रीनेम करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। डबल क्लिक ऑन द टैब, टैब पर डबल क्लिक करिए फॉर द वर्कशीट यू वॉन्ट टू रीनेम, ठीक है, वर्कशीट को, जिस वर्कशीट को आप रीनेम करना चाहते हैं। द नेम ऑफ द वर्कशीट हाईलाइट एंड नाउ यू कैन टाइप, ठीक है। जो वर्कशीट का जो नेम होता है वो क्या होगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे तो वर्कशीट का जो नेम होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। टाइप द न्यू नेम, तो आप उसकी जगह पर क्या करोगे, न्यू नेम को टाइप कर दीजिए और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। बहुत ही ईजिली आपका जो होता नेम होता है रीनेम। अ वर्कशीट नेम कैन बी कंटेन अप टू 31 करेक्टर इंक्लूडिंग द स्पेस। उसमें आप जो वर्कशीट का नेम लोगे उसमें आपके 31 से ऊपर करेक्टर नहीं आएंगे। जो भी आपका नेम होगा वो 31 करेक्टर का होगा, ठीक है। आप उसमें कोई नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट, मतलब ABCD भी आप यूज़ कर सकते हो, अल्फाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 31 से अब नहीं होने चाहिए करेक्टर्स में, ओके। नेक्स्ट है डिलीटिंग द वर्कशीट। वर्कशीट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वर्कशीट डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। यू कैन डिलीट द वर्कशीट इफ इट सीम टू बी ऑफ नो यूज़। अगर आपकी कोई वर्कशीट है जो आपके यूज़ की नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। व्हेन यू डिलीट द वर्कशीट इट इज़ परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द वर्कबुक फाइल। अगर आपने कोई वर्कशीट डिलीट की है ना, तो वो परमानेंटली आपकी जो वर्कबुक फाइल होती है ना उसे डिलीट हो जाती है। फिर आपको अगर आप उसमें वापस वर्क करना चाहो तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो एक बार डिलीट हो जाएगी तब। द फॉलोइंग स्टेप विल शो यू हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट। आपको कुछ स्टेप दिए जा रहे हैं यहाँ पे जिससे आप अपनी वर्कशीट को डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट, वर्कशीट पर आप राइट क्लिक करिए, डिलीट ऑन क्लिक, तो फिर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप उसमें डिलीट क्लिक ऑन डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। इफ यू वर्कशीट कंटेन एनी डाटा एक्सेल प्रमोट यू टू कन्फर्म ऑल डिलीटेशन, ठीक है। अगर आपके उसमें डाटा है तो आपको एक्सेल जो है बताएगा कि आप इसको कन्फर्म है कि आप डिलीट करना चाहते हो। आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको यस कर दीजिएगा। अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको यस कर सकते हो, क्लिक ऑन डिलीट, तो आप डिलीट पे, या अगर यस ऑप्शन मिलता है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो वर्कशीट है एक्सेल में वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लोज करना चाहते हो MS एक्सेल को तो बहुत ईजी है, आप एग्जिट बटन पर जाके क्लिक कर सकते हो। वंस यू कंप्लीट योर वर्क, आपने अगर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, यू कैन क्लोज MS एक्सेल, तो आप उसको MS एक्सेल को क्या कर सकते हो, बहुत ईजी क्लोज कर सकते हो। द फॉलोइंग स्टेप विल शो यू हाउ टू क्लोज MS Excel। तो आपको उसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली आप फाइल टैब में जाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली आप फाइल टैब में जाइए। वहाँ पर एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है, फाइल टैब मिलता है ऊपर, उसमें सबसे लास्ट में रहता है एग्जिस्ट का ऑप्शन। क्लिक ऑन एग्जिस्ट बटन, द MS Excel विल गेट क्लोज, तो आपका MS Excel क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इस लेसन में आपने आपको कैसे आपको वर्कशीट बनानी है, कैसे कॉलम रो को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बताया है आपको, ठीक है, रो को सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, कॉलम्स इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, ठीक है, इस कुछ टॉपिक्स थे, डिलीट करना वर्कशीट को, ठीक है, इस सब के बारे में एक्सप्लेन किया हमने। एक्सेल का आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। पॉइंट टू रिमेंबर देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैविंग रो एंड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। MS Excel कंटेन ऑफ वर्कशीट, जो MS Excel कंसिस्ट होता है वो किससे कंसिस्ट होता है, उसमें वर्कशीट होती है, ठीक है। वाई डिफॉल्ट MS Excel विंडो हैज़ 3 वर्कशीट। रिवन कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कमांड, रिवन क्या होता है, उसमें बहुत सारे कमांड्स होते हैं, आपने रिवन का यूज़ देखा होगा, कई बार रिवन का नेम आया है। द एक्टिव सेल एक्सेप्ट द डाटा एज सून एज यू टाइप, और एक्टिव सेल जो भी आप डाटा राइट करते हैं वो कहाँ करते हैं, जिस सेल में करते हैं वो सेल क्या होती है, एक्टिव सेल होती है। वर्कशीट इज अ सिंपल पेज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रेडशीट। वर्कशीट क्या है, एक सिंपल सिंगल पेज होती है, ठीक है। वर्कशीट क्या होती है, आपकी सिंगल पेज होती है,
इसे हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ब्लॉक क्या है, एक ग्रुप होता है सेल का, सिलेक्ट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल की फॉर्म में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये आपके पॉइंट टू रिमेंबर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सरसाइज वर्क कराएंगे। थैंक यू।